कैसे हो? वेलकम टू द चैनल एड्यूजोन लर्निंग सॉल्यूशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका पार्ट नंबर टू। ठीक है, सो पार्ट नंबर टू स्टार्ट करेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस का। सो पार्ट नंबर वन जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो जाके देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। सो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा लॉजिक गेट्स होता है, जो एंड गेट होता है, जो नैंड होता है, एक्सॉर होता है, नॉट गेट होता है, तो वो सारा जो है हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहला तो रिक्वेस्ट है आप जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ठीक है, और अगर अंत तक देखने के बाद पसंद आता है तो ज़रूर से लाइक करना। और उसके अलावा अगर आप फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर आईडी दी गई है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, तो एकदम स्क्रैच से समझाऊंगा। देखो एकदम मतलब लेमन लैंग्वेज में मजा आ जाएगा, कॉन्सेप्ट भी जो है आपका वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलो, सो पहला हमारे पास आता है नॉट गेट। देखो ये नॉट गेट है, आप टेबल को यहाँ पे देख सकते हो, और ये रहा उसका ये डायग्राम। ठीक है, सो नॉट, ये जो गेट से हम लोग यूज क्यों करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स अगर कोई आपका सर्किट होता है। सो कॉम्प्लेक्स सर्किट में आप इन चीजों के इनपुट और आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हो, ताकि आपको जो है वो सिंपल वे में जो है समझ में आ जाए। सो इसमें दो कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो, ऑन ऑफ, या तो फिर बुलियन अगर आपको लेना है तो जीरो और वन, न्यूमेरिकल डेटा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो ये जीरो और वन जो आपका इनपुट होता है, और उसी तरीके से आपका आउटपुट भी होता है जीरो एंड वन। तो देखो भाई यहाँ पे एक थोड़ा सा कटआउट लिया हुआ है, तो ये अपर पार्ट को यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे तब भी चलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखो नॉट गेट आपका है क्या। ये रहा आपका जो है मेन डायग्राम, यहाँ पर है, इसमें कुछ लिखा है यहाँ पे वाई इज इक्वल्स टू एक्स, और ऊपर बार दिया है। देखो बार, उसको बार को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो है ये वाला जो बार है आपको, इसको हम लोग नॉट बोलते हैं। मतलब आपका जो है अल्टीमेटली, मान लीजिए इनिशियल कंडीशन जो है एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, तो अगर आपको इसको ऑपोजिट बताना है तो आपको इसको लिखना होगा या तो फिर एक्स इज इक्वल टू वाई बार लिख सकते हो, या फिर वाई इज इक्वल टू एक्स बार लिख सकते हो। वन, दो कैरेक्टर है आपके पास, येस और नो, ऑन और एफ, जीरो और वन। सो येस का ऑपोजिट नो होगा, ऑन का ऑपोजिट ऑफ होगा, ऑफ का ऑपोजिट ऑन होगा, नो का ऑपोजिट येस होगा, बराबर। तो वैसे ही यहाँ पे इनपुट का आपको टेबल दिया है, आउटपुट का आपको टेबल दिया है। यहाँ पे मान लीजिए अगर आप इनपुट जो है ऑफ लेते हो, यानी कि जीरो लेते हो, तो उसका आउटपुट जो है नॉट होने की वजह से, नॉट गेट अगर आप बीच में डाल रहे हो तो उसका एक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, निगेशन भी आप बोल सकते हो। सो वो जो है इसका निगेशन हो जाएगा, जीरो का आपको मिलेगा वन और वन का आपको मिलेगा जीरो। ये नॉट गेट है, एज सिंपल एज दैट। मतलब अपोजिट हो जाएगा, जो भी आपका इनपुट है उसका अपोजिट हो जाएगा, ऑन का ऑफ होएगा और आपका ऑफ का ऑन हो जाएगा, उसी तरीके से जीरो का वन, वन का जीरो। ठीक है, सो ये नॉट गेट आपको यहाँ पे क्लियर हुआ। अभी अभी मैं लेकर चलता हूं आपको और गेट पर। ठीक है, सो भाई और गेट क्या होता है, यहाँ पे और गेट का आपको इक्वेशन दिया है। इक्वेशन तो देखो भाई समझने के लिए आपको बेसिकली इक्वेशन होता क्या, और का क्या मतलब होता है। अभी दो कंडीशन लेता हूं या दो स्टेटमेंट लेता हूं, स्टेटमेंट नंबर वन और स्टेटमेंट नंबर टू। अगर मैं और यूज करता हूं ना, तो और का मतलब क्या होता है, या तो स्टेटमेंट नंबर वन या तो स्टेटमेंट नंबर टू, या फिर अगर मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे ए और बी की बात कर रहा हूं, अप्लाई द एक्शन ए, अप्लाई द एक्शन बी। सो अप्लाई द एक्शन ए और अप्लाई द एक्शन बी, मतलब दोनों में से कोई आप एक यूज कर सकते हो यहां पर। ठीक है, और बोला है, एंड नहीं बोला है। एंड का मतलब क्या हो गया, दोनों कंपलसरी है। और का क्या मतलब हुआ, कोई भी एक से काम चल जाएगा। सो इसको याद रखने के लिए आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो। देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू। अभी इसका क्या मतलब होता है, देखो ध्यान से देखो, टेबल पे देखना। अभी देखो ये अगर आपका ए का जो इनपुट है वो वन है, मतलब एक आ गया, चलो एक की हाँ आ गया, अपने को एक ही चाहिए, इनपुट ऑन है मतलब, बराबर। सो अपने को एक ही चाहिए, यहाँ पे दो होगा तो भी चलेगा। ए और बी में से दोनों में से कोई एक जो है ऑन है, या फिर कोई एक जो है यस है, तो भी चलेगा। अगर दोनों नो है तो फिर नो, दोनों की अगर ना है तो ना, किसी एक की भी हा है तो चलेगा, हाँ काम हो जाएगा। वैसे तो वन 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 देगा, मतलब दोनों की हा है, मतलब ये जो हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कंडीशन हो गया। दूसरा आता है आपका एक की ना है मगर बी की हा है, तो आउटपुट आपका हा, मतलब डिसीजन ओके चलेगा, पास हो गया आपका डिसीजन, पास हो गया। ये एक लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ ताकि आपको जो है यहाँ पे याद हो जाए। इनपुट जो है आपका, अगर दोनों भी जो है ऑफ है, मतलब आपका काम नहीं होने वाला,
कोई एक का इनपुट आना चाहिए ऑन। अभी सर्किट के केस में अगर मैं बात करता हूँ, तो ये कुछ ऐसा सर्किट ले लिया और ये हमने ऐसा की बना दिया, यहाँ पे की होता है ना प्लग की, एक यहाँ पे बनाया और एक यहाँ पे प्लग की बनाया। इमेजिन कर लो, इसको हम लोग बोलेंगे ए और इसको हम लोग बोलेंगे बी, ठीक है। सो मान लीजिए अगर आपका ये की बंद है, ये की अगर आपका यहाँ पे एक पोर्ट बना देते हैं हम लोग, ठीक है, पोर्ट बना देते हैं, यहां से इनकेस करंट फ्लो हो रहा है तो ये की बंद है, और यहां से इनकेस करंट फ्लो हो रहा है तो ये की जो है ऑन है, तो ये पोर्ट जो है यहां पे पहुंच जाएगा करंट, यहां तक करंट पहुंच जाएगा, तो किसी एक से अपना काम तो हो ही जा रहा है। दोनों चालू है तो वाह भाई वाह, काम इजीली हो जा रहा है। अगर दोनों बंद है तो काम आपका यहाँ पे होना ही नहीं है। तो कैसे याद रखेंगे और को हम लोग? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बाकी सब ट्रू, जीरो जीरो जीरो, बाकी सब वन। चलो क्लियर हुआ, इक्वेशन आपका हो गया ए प्लस बी। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है यार, इससे इजी और कैसे समझाओ ये बताना, कमेंट में बताना क्लियर भी कुछ डाउट हो तो, लेकिन मेरे ख्याल से तो होगा नहीं डाउट किसी को, पसंद आए तो लाइक करके जरूर जाना। चलो अभी एंड गेट है आपका, एंड गेट में, हाँ अभी आपको तो ये डायग्राम तो मैं बताना ही भूल गया। डायग्राम देखो ऐसा होता है, ये बनाना जरूरी है, ये कुछ इस तरीके से होता है आपका डायग्राम। यहाँ पे इनपुट ए इनपुट बी, और ये आपका आउटपुट जो होता है वाई होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी, ये यहाँ पे देके रखा है। और ये इक्वेशन ये लिखो, ताकि मैंडेटरी ये लिखो, और मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, और में कैसा होता है ऐसा होता है, ये कुछ इस तरीके का और होता है, एंड में कैसा होता है ऐसा होता है, ये ऐसा, ये हो गया आपका एंड और ये हो गया आपका और हो गया। चलो ठीक है, सो इसमें क्या होता है, अभी वाई इज इक्वल टू ए इंटू बी, दोनों की हाँ है तो ही काम होगा, किसी एक के भी हाँ ना है तो भी काम नहीं होगा, हाँ दोनों का होना चाहिए, मतलब ट्रू और ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। देखो आ जाओ, ये देखो ये वाला कंडीशन, वन वन वन, बाकी सब फॉल्स, बाकी कुछ भी हो, दोनों पार्टी, पार्टी ए पार्टी बी, दोनों पार्टी की अगर हाँ है तो ही काम होगा, कोई भी एक पार्टी की ना है तो काम अटक जाएगा, काम होगा ही नहीं, मतलब दोनों इनपुट जो है यहाँ पे आपका, दोनों इनपुट ऑन है तब भी ही आपका जो है यहाँ पर काम होगा, नहीं तो काम होगा नहीं। अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था ना, वही मैं सेम डायग्राम आपको ड्रॉ करता हूँ। जो पहले वाला कंडीशन किया था उसमें डायग्राम थोड़ा अलग होना चाहिए था, और अभी वाले कंडीशन के लिए ये डायग्राम जो है अप्रोप्रिएट है। देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से हुआ, और यहाँ पे ये कुछ ए है, और यहाँ पे ये कुछ जो है बी है, ठीक है। अभी यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है लेकिन ब्लॉक हो गया, बराबर, यहाँ से जो है करंट फ्लो हो रहा है लेकिन ब्लॉक हो गया, अभी ये आगे तो जाएगा नहीं। अगर ये भी बंद है, यहाँ पे देखो ये भी बंद है, तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, दोनों अगर जो है यहाँ पर बंद है तो करंट आपका फ्लो होगा ही नहीं, कोई एक भी अगर, देखो यहाँ पे अगर दोनों चालू होता है तो ही आपका काम होने वाला है, अगर दोनों चालू नहीं होगा, या कोई भी एक, मतलब दोनों चालू होना जरूरी है, कोई भी एक चालू होगा तो भी उससे आपका काम नहीं होने वाला। सो यहाँ पे वन वन वन, ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। चलो ये समझ में आया आपको यहाँ पे। सो इसका इक्वेशन आप कैसे लिखोगे? ए इंटू बी लिखोगे, ये बाकी आप रीड कर सकते हो, ये रीडिंग पर्पज के लिए है, आपका जो है स्टेटमेंट राइटिंग आंसर्स कैसे लिखना है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सो रीड करते रहो, राइटिंग का प्रैक्टिस रखो, लेकिन कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी आता है नैंड गेट, नैंड का क्या मतलब हुआ, ये एन और उसके पीछे जो है एंड, मतलब एंड का सारा उल्टा। एंड गेट क्या बोलता है? ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सब फॉल्स। तो नैंड क्या बोलता है? ट्रू ट्रू फॉल्स, बाकी सब ट्रू। आ जाओ ये देखो, ये रहा, ये हो गया आपका एंड गेट, नैंड। देखो नैंड गेट में क्या है, ये देखो ये इनपुट ट्रू है, ये भी इनपुट ट्रू है, तो आपका काम नहीं बनेगा, दोनों की हाँ है तो आपका काम नहीं बनेगा, किसी एक की ना होना जरूरी है तो ही आपका काम जो है यहाँ पे बनेगा। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दोनों का ना रहेगा तो भी चलेगा, तो भी आपका काम बन जाएगा, दोनों की हाँ नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ पे इनपुट अगर इसका भी वन है इसका भी वन है तो ये आपका आउटपुट जीरो ही आएगा, दोनों जीरो है तब भी चलेगा, एक कोई जीरो है तब भी चलेगा, ए जीरो है बी वन है तब भी चलेगा, काम हो जाएगा, ए वन है बी जीरो है तब भी चलेगा तो भी काम हो जाएगा, और आपका ए भी जीरो है बी भी जीरो है तो बहुत अच्छी बात, तो काम पहले हो जाएगा आपका। सो दोनों चालू नहीं होना चाहिए, नैंड मतलब एंड का उल्टा, ये एंड और नैंड जो है दुश्मन है, बराबर, ऐसा ही समझ के चलो, एंड के आगे एन लग जाए तो ये नंद हो जाएगा, नैंड हो जाएगा। सो नैंड मतलब
आपका जो भी इनपुट है एंड में वो सारा उल्टा कर लो, कोई एंड और याद रख लो, बाकी सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आगे एन लग जा रहा है मतलब सब उल्टा हो जा रहा है, ठीक है, काम उल्टा हो जा रहा है। ये इक्वेशन आप कैसे लिखोगे, आपका जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, वाई इज इक्वल्स टू ए इंटू बी का ये ले लिया आपने निगेशन ले लिया, या तो फिर ए इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई बार, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, बात आपका एक ही है, बराबर। चलो अभी आते हैं नॉर गेट पर। नॉर मतलब क्या हो गया, और का उल्टा। और में हमने क्या देखा था यहाँ पे, ये देखो अभी, और नॉर गेट में क्या है, यहाँ पे निगेशन ऑफ ए प्लस बी है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, जो फॉल्स 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 होता है बाकी सब ट्रू होता है, लेकिन यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ही ट्रू है बाकी सब फॉल्स है, मतलब दोनों बंद है तो ही आपका काम होगा, अगर कोई भी एक चालू है तो काम नहीं होगा आपका। फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है ना, मतलब फॉल्स फॉल्स ट्रू हमने और में देखा था, बाकी सब फॉल्स 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 होता है बाकी सब ट्रू होता है, ऐसा हमने और में देखा है। यहाँ पे फॉल्स फॉल्स ट्रू है बाकी सब जो है फॉल्स है। यहाँ पे ये देखो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 0 1 भी 0, 1 0 भी 0, दोनों की हाँ है तब भी 0, मतलब हाँ किस में होगी, हाँ आपकी होगी फॉल्स और फॉल्स में, इनपुट जब भी दोनों का ऑफ रहेगा तब भी आपका काम हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ही ट्रू होगा, किसी एक का भी इनपुट अगर ऑन होता है तो आपका काम नहीं होता, दोनों का इनपुट ऑन है तब भी आपका काम नहीं होगा यहाँ पे। सो ये इसका इक्वेशन आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, उसका बार लिख दीजिए आप, या तो ए प्लस बी ले लिया आपका, सॉरी इसको हटा देते हो, तो ये आउटपुट जो है आपका निगेशन में आ जाएगा, एक ही बात हो गई। अभी आते हैं हम लोग, हमारा यहाँ पर लास्ट है एग्जॉर गेट। नॉट देखा, एंड देखा, और देखा, नैंड देखा, नॉर देखा, अभी बाकी है आपका एग्जॉर गेट। ये एग्जॉर गेट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा अलग है, लेकिन इसका डायरेक्ट आउटपुट आपको पहले बताता हूँ। देखो ये सेटिस्फाई क्या करता है वो देखो, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स, बराबर। अभी ट्रू 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 होता है किसमें, ट्रू 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 होता है किसमें, एंड में होता है, तो यहाँ पे ट्रू ट्रू जो है आपका फॉल्स है, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन हुआ, ये नैंड का कॉम्बिनेशन हुआ। यहाँ पर यहाँ पे फॉल्स 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 है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ये और का कॉम्बिनेशन है, तो ये बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है आपका और का और नैंड का। अभी यहाँ पे ध्यान देना इसका, यहाँ पे इन्होंने इक्वेशन दिया है सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस को यहाँ पे इन्होंने सर्कल किया है, इसका मतलब ये हुआ ए निगेशन एंड बी, ए डॉट बी जो होता है उसमें ए निगेशन एंड बी, और बी निगेशन एंड ए, मतलब अंदर जो है आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन होना चाहिए, बाहर जो है बीच में आपका जो है यहाँ पर प्लस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे इन्होंने प्लस लिया है, बराबर। नहीं तो इन्होंने ऐसे भी लिया होता, ये देखो ये कुछ ऐसे किया रहता, ये इक्वेशन में ना प्लस लिया इन्होंने, ए प्लस बी कुछ इस तरीके से लिया, नहीं तो फिर उन्होंने ऐसे भी लिया होता, ए ये सर्कल में डॉट बना के ये पी, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, बराबर, प्लस है मतलब ये और है, समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे जो है ए, पहला जो है आपके पास ए डॉट बी है, दूसरा भी आपके पास क्या है ए डॉट बी है, लेकिन पहले वाले में कोई एक जो है यहाँ पे अपोजिट होगा, ए अपोजिट होगा तो दूसरे वाले में बी अपोजिट होगा, यहाँ पे पहले वाले में ए का निगेशन है तो दूसरे वाले में बी का निगेशन है। अगर आप ऐसे भी लिखते हो ए डॉट बी निगेशन प्लस ए निगेशन डॉट बी, तब भी सही है, तब भी चलेगा, इनपुट जो है आपने खाली क्या कर दिया, अगर 0 1 है और आउटपुट आपका क्या आता है, यहाँ पे देखो 0 और 1 आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, अगर आप 1 और 0 लोगे तभी भी वो 1 ही आने वाला है, ये रहा आपका, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ये देखो 0 और 1 लोगे तभी 1 आएगा, 1 और 0 लोगे तब भी आपको 1 आएगा, अभी 0 और 0 लोगे तब भी आपको 0 ही आने वाला है यहाँ पे, और 1 और 1 लोगे तब भी आपको 0 आएगा, तो ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, आपको याद रखना है ए निगेशन डॉट बी प्लस ए डॉट बी निगेशन, ये इस तरीके से याद रखो, कुछ नहीं है 5 मिनट प्रैक्टिस कर लो अपने आप याद हो जाएगा। ये देखो इसका बुलियन एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, यहाँ पे सी इज इक्वल्स टू ए, यहाँ पे एक्सॉर का साइन है, ए एक्सॉर बी आप बोल सकते हो, या फिर मतलब कॉम्बिनेशन जैसा आपको बताया और नैंड का है, सॉरी द आउटपुट इज हाई व्हेन आइदर ऑफ द इनपुट ए और बी इज हाई, अगर आपका जो है यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ऑन है तो आपका आउटपुट हाई है,
लेकिन ये क्या बोल रहा है, बट नॉट इफ बोथ ए एंड बी आर हाई, बट नॉट इफ बोथ ए एंड बी आर हाई, अगर दोनों भी चालू है तभी तो आपका आउटपुट हाई होना ही नहीं है, या फिर दोनों भी बंद है तभी तो आपका आउटपुट हाई होना ही नहीं। सो क्लियर हुआ? तो देखो भाई हमने क्या कवर किया, एक्सोर किया, नॉर किया, नैंड किया, एंड किया, और किया, और यहाँ पे नॉट किया। सो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा, हल्का फुल्का लेक्चर था, कोई ज़्यादा आपको स्ट्रेस आया नहीं है, और सबसे इजीएस्ट है, इसको समझ लो पहले तो चैप्टर समझने में भी मज़ा आएगा। बाकी रह गया अपना पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 को भी मैं कवर करवा लूँगा। उसमें हमारा बाइपोलर जंक्शन होगा और थोड़े बहुत क्वेश्चन एंड आंसर्स है जो कि आपको समझने की ज़रूरत है। सो वो क्वेश्चंस में और आंसर्स आपको समझाऊंगा। वहाँ पे एमिटर बेस कलेक्टर का जो है वहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन होगा। पीएनपी और एनपीएन में फ्लो कैसा होता है वो मैं आपको बताऊँगा पार्ट नंबर 3 में। सो भाई पार्ट नंबर 2 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ मिस हुआ या स्किप हुआ अगर आपको ऐसा लग रहा है तो कमेंट में बता दो, छोटी चीज़ होगा तो कमेंट में बता दूंगा। अगर कुछ ज़्यादा ऐसा लगा कि भाई टॉपिक बड़ा है तो उस पर वापस वीडियो बना दूंगा। पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जाके देख लेना अगर अभी तक नहीं देखा है तो। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।